पर आपके ऊपर जो इतने सालों से मेंटल प्रेशर पड़ा है, सेक्सुअली जो आप हैरेस हुए हो, मेंटली जो हैरेस हुए हैं, क्या आप उससे कॉम्पनसेट कर सकते हैं? मैं मानती हूँ कि आप कहते हो कि चलो भाई मैं अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके चलूंगी, आई विल ओवरकम दिस, पर कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में या वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर करती रहेगी कि यार पर मैंने क्या इतने साल। मेंटेनेंस से मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो तो जाएगा? वही मैं कहना चाह रही हूँ कि मेंटेनेंस या सिर्फ सजा दिलाने से आपका जो मेंटल हैरेसमेंट और सेक्सुअल सोशल एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट दैट कैन नॉट बी कॉम्पेंसेटेड। यहां पर एक चीज और आ जाती है कि जब भी मेंटल हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसके बदले पैसे मांगे जाते हैं मेंटेनेंस के नाम पर। जी क्या ये सही है? एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि हम उन इंसान से मेंटेनेंस क्यों ले जिन्होंने आज तक हमें समझा ही नहीं है। जिस इंसान ने हमें जाना नहीं है, हमारी पसंद क्या है पहचानी नहीं है, तो उसके मेंटेनेंस की मेरे ओपिनियन से मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिस बंदे से मेरा कुछ अफेक्शन ही नहीं है, उसके लिए उसे आई एम गोना डिमांड समथिंग, यू नो दैट्स व्हाट आई वुड रादर सपोर्ट माय सेल्फ स्टीम हियर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, यू नो मेंटेनेंस का मतलब है इफ माय गाय इज सपोज्ड टू हैव अ फोर व्हीलर, आई एम आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द सेम। वो जी, बैलेंस वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन स्नेहल, जहां तक हम बात कर रहे हैं कि कोई भी उससे लगाव नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन ऐसे में उसे उससे क्यों लिया जाए मेंटेनेंस? लेकिन यहीं पर मामला उल्टा आ जाता है कि उससे जब तक कोई लगाव नहीं है, जब तक उसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में उसे क्यों ना लूटा जाए? यहां ये सोच हावी हो जाती है, और ये सोच हावी कौन करता है? कानून के रखवाले ही, जो वकील होते हैं वो, या परिवार वाले, वो दबाव डालते हैं कि आप मेंटेनेंस लो। तो आई डोंट थिंक माई इन लॉज आर गोना बी सो स्टूपिड कि वो मेरे साथ पहले ऑन फर्स्ट हैंड दे आर गोना बी रूड टू मी। पहली बात, आप जब आप स्टेप आउट कर ही लेते हो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी आई वुड सेव माई सेल्फ एस्टीम रादर जी, एंड नॉट डिमांड फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस और एनीथिंग। हमें ये भी देखना चाहिए कि लड़की का बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस कि इज शी डिपेंडेंट और शी इज इनडिपेंडेंट। जी जैसे ज्यादातर अगर प्रोफेशनल केस है तो आप कहते हैं चलो हमें मेंटेनेंस नहीं चाहिए, हमें आपको सजा दिलानी है, जी आप तब हो। पर जहां पर अगर लड़की एजुकेटेड एजुकेटेड होते हुए भी इतने दिनों से वो प्रताड़ित की जा रही है, उसका माइंडसेट ऐसा हो गया है जी कि शी वॉज अ होम मेकर, अब वो आगे बढ़ नहीं पा रही है, उसका दिमागी तौर पर एकदम सताई जा चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, जी तो उसे वहां पर मेंटेनेंस लेना चाहिए। मेंटेनेंस लेना भी एक प्रकार की सजा नहीं हुई सामने बिल्कुल वाले नहीं, बिल्कुल हुई मेरे हिसाब को से, तोड़ तो देना? हुई हुई क्यों नहीं हुई, ये बिल्कुल हुई। वंदना, आपसे जाना चाहेंगे, अभी हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मेंटेनेंस का यूज इस तरह से होता है, कई बार बहुत ज्यादा मांग लिया जाता है, और एक प्रकार से ये दहेज के लिए मांग, जो ये कहा जाता है कि हमने दहेज इतना दिया था तो दी जाए, या फिर अगर आपको तलाक चाहिए तो दी जाए। आपके हिसाब से मेंटेनेंस के को कितना सही मानती है, कितना गलत? मुझे लगता है कि मनी कांट कंपनसेट जो फीमेल के साथ मेंटल हरेसमेंट हो रही है और जो उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुई है, तो मनी मुझे तो नहीं लगता कि मनी से वो तुम्हें कंपनसेट कर सकता है। जी, लेकिन अगर मान लीजिए वो मनी जो है आपको समृद्ध तो कर सकता है, आपको अमीर तो बना सकता है, ये सोच तो होती है। बट यू कांट गेट दैट लव, वो तुम्हें प्यार तो मिलेगा नहीं मनी से। अगर आपको वो लव नहीं मिल सकता, अगर आपको वो चीजें दोबारा नहीं मिल सकती, तो फिर कानूनों का सहारा क्यों लिया जाए? क्यों उसे जेल भेजा जाए? क्यों उसके परिवार वालों को जेल भेजा जाए? तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आई एम टोटली डिसएग्री विद लॉज जो हमारे कानून ने बनाई हुई है। लेकिन लेकिन जो हालात हैं वो बात का बतंगड़ वाली हालात है कि आज छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, और जरा सी अगर लड़ाई होती है और लड़की घर वालों पे जाती है, घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद वकील सपोर्ट करते हैं, और बात इस तरह की हो जाती है कि हर तरह का कानून थोप दिया जाता है। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो ये गलत है। मेंटेनेंस तो लाइक अगर मेरे साथ होगा तो मैं तो कभी नहीं मांगूंगी उससे। जी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, कैसे सर्कमस्टांसेस है, बहुत ज्यादा किया है तो कोर्ट। शिवांगी, एक चीज जानना चाहूंगा, मान लीजिए जैसा आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट जरूर जाएंगी, जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिए जी हैं, परेशानियां दी हैं, कोई सुख नहीं दिया, उसके खिलाफ आप कोर्ट जाएंगी, उसे सजा दिलाएंगी, क्या उसके परिवार वालों को भी घसीटना ठीक रहेगा उसे सजा दिलाने के लिए, मेंटली उसे परेशान करने के लिए? जी बिल्कुल, अगर मेरे को सजा देने में मुझे परेशान किया गया है अगर, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों का भी हाथ होगा, क्योंकि वो भी उसे सपोर्ट कर रहे होंगे मुझे परेशान करने में। मान लीजिए आपकी भाभी रिश्ते में आपके साथ ऐसा करे तो, कैसा? मान लीजिए आपकी भाभी हो और वो आपके पर आपके भैया पर ऐसे केस डाल दे, और साथ में आपका नाम भी डाल दे, क्योंकि आप तो हालांकि अटैच भी नहीं हो अपने भाई से, मान लीजिए ऐसा हो, तो आपको क्या ठीक लगेगा वो? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अपने भाई से जुड़ी हुई हूँ कहीं ना कहीं, और उसकी गलती है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे समझाऊं कि ऐसा नहीं, नहीं करना आपने चाहिए, समझाया, आप पे लेकिन केस आपका भाई डालते हैं। समझने वाला नहीं है, वो पर ये उसके तो कोर्ट आंखें बंद करके तो कुछ करता नहीं, वो देखेगा कि मेरे कानून घर ही पे है ऐसा कि है नहीं। कि आंखें बंद करके ही करता है। अगर वो इन लॉस को भी घसीटती है
तो वो जानती है कि किसने उसका साथ दिया था किसने नहीं, और मेरे हिसाब से अगर वो ऐसा कर रही है, अगर वो इतना ज्यादा सताई गई है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को लाएगी कि इन्होंने कभी मना किया था, इन्होंने और ज्यादा हमें सताया। शरण ने आपसे एक जानना चाहूंगा कि क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से जब लड़की केस डालती है तो सिर्फ इस वजह से कि वो मेंटेनेंस उससे मिल जाए या पैसा ज्यादा उससे मिल जाए, इस वजह से पूरे परिवार का नाम लिखवाया जाता है। आप मानती हैं कि क्या ये ठीक है कि पैसे के लिए आप पूरे परिवार को जेल में धकेल दो? मैं बिल्कुल नहीं मानती है, क्योंकि पूरे परिवार, अगर परिवार में ऐसा कोई है जो हमारे साथ है तो उनको क्यों हम प्रॉब्लम में डाल रहे हैं? जी मैं तो यही देखूंगी, अगर पति हमारे साथ है तो पूरा परिवार हमारे साथ ही होगा। जी अगर पति नहीं है और पूरा परिवार हमारे साथ है तो मुझे तो नहीं लगता कि पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। चलिए स्नेहल आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा मैं जाते जाते, क्योंकि अब वक्त की कमी आ गई है हमारे पास। ये बताइए, जैसा अभी हम ऊपर बात कर रहे हैं कि एक लड़की केस डालती है, वो अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार, उसके पूरे परिवार को, यहाँ तक कि कई बार दूर के रिश्तेदारों को भी साथ घसीट लेती है, कितना सही है ये? ह्यूमन ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो आप कड़वाहट को और बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डिवोर्स हो गया, आप सेपरेटली रह रहे हैं, बच्चा है तो किसी एक पेरेंट के साथ रह रहा है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ अंडरस्टैंडिंग का कोई मार्क क्रिएट हो जाए, और आप उनके फैमिली मेंबर्स को भी घसीटते हैं, उनको बदनाम करते हैं, मेंटेनेंस मांगते हैं, और ज्यादा टॉर्चर बढ़ता है और एनिमोसिटी क्रिएट हो जाती है, वो बहुत बुराई के लेवल पर आपको घसीट सकती है। जैसा आप देखते हैं आजकल स्टाफ कर देते हैं लोग, इतना क्रिमिनल एक्ट बढ़ गया, छोटे छोटे बच्चे वायलेंस पे उतर आए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए करवाहट को बढ़ाने के बजाय उसे रिड्यूस करने की कोशिश की। दिक्कत यह है कि ऐसा हो रहा है स्नेहल, ऐसा हो रहा है कि एक लड़की जब अपने परिवार, अपने पति से अलग हो जाती है, उसके बाद वो उससे सजा देने के लिए, उससे पैसा लेने के लिए उसका नाम तो लिखवाती है, उसके 10 रिश्तेदारों का नाम साथ लिखवाती है। ये आज के हालात हो चुके हैं, ये वर्तमान है। हालांकि ये जो हमारे साथ बैठे हैं सभी, ये भविष्य है। भविष्य ये सोचता है कि शायद ये ठीक नहीं है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य ऐसा ही हो, भविष्य ऐसा ना हो कि वो परिवार को तोड़े, भविष्य ऐसा ना हो कि वो समाज को खराब करे, भविष्य ऐसा ना हो कि उन कानूनों को जो महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं महिलाओं के खिलाफ ही उपयोग करें, दुरुपयोग करें। हमारी भी यही कोशिश है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ लड़कों के साथ, उनसे भी जानेंगे वो क्या सोचते हैं शादी से पहले, शादी के बाद जो हालात पैदा होते हैं उनके बारे में। जी हाँ, आप सब हमारे बीच में आए और अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहल और वंदना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कायदा कानून कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार फिर से हाजिर होंगे और आपके बीच में हम दिखाएंगे कि क्या कहते हैं लड़के, और इसके आगे भी हम आपको बता दें कि लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठाकर हम जानेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि ये जो जितनी बुराइयां हैं ये दूर हो सके, कानूनों का दुरुपयोग जो है वो बंद हो सके। तो फिलहाल कायदा कानून में हम इतना ही, लेकिन अगर आप कोई भी राय, कोई सवाल, कोई भी अपना सुझाव हमें देना चाहें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है kanoon@p7news.com। इस पर आप अपना, अपनी राय, सवाल हम तक भेज सकते हैं। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए आप राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए क्यू, उसके बाद अपनी राय, अपना सवाल, अपने नाम और शहर के नाम के साथ लिखकर भेज दीजिए 5600680 पर। तो फिलहाल के लिए कायदा कानून कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार फिर से हाजिर होंगे। मुकेश कपिल और पूरी कायदा कानून टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।